नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल पेशकश पांच की आंच। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी पत्नी के तानों से परेशान पति की। बताएंगे पत्नी की शिकायत लेकर पति क्यों पहुंच गया थाने। इंदौर में लैपटॉप वाले चोर और रील की दहशत भी दिखाएंगे। इसके अलावा एमपी के नर्सिंग कॉलेजों में कैसे किया जा रहा है फर्जीवाड़ा, इसकी भी बात होगी। कागजों पर कैसे चल रहे हैं कॉलेज, ये भी बताएंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में छात्र भर रहे हैं पानी, तो कहीं छात्रों से लगवाया जा रहा है झाड़ू, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। एमपी की और उपलब्धि के बारे में भी आपको बताएंगे। टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट और वुल्फ स्टेट के बाद एमपी कैसे वल्चर स्टेट बना है, ये भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पति पत्नी में अनबन होते रहती है, लेकिन इंदौर में तो एक पत्नी ने हद ही पार कर दी। उसे अपना पति अच्छा नहीं लगता था और इसकी वजह से वो पति की पिटाई तक करती थी। आखिरकार पत्नी से बचाव की गुहार लेकर पति थाने पहुंचा। रिपोर्ट देखिए। पति पत्नी में नोक झोंक नई बात नहीं, कई बार तकरार होती है, रूठने मनाने का दौर चलता है। लेकिन इंदौर में एक पति अपनी पत्नी के तानों से इतना परेशान हुआ कि थाने पहुंच गया। पति की शिकायत भी हैरान करने वाली थी। उसका कहना है कि पत्नी उसे गाली देती है, मारपीट करती है और तलाक मांगती है। पत्नी अपने पति को इतना प्रताड़ित क्यों करती है, इसकी वजह भी आप जानकर दंग रह जाएंगे। पत्नी को पति अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि पति की वजह से लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन एक दिन तो पत्नी ने हद ही कर दी। बच्चे को स्कूल जाने में देरी हो रही थी। पति ने बोला कि मैं बच्चों को स्कूल छोड़ देता हूँ। इस पर पत्नी भड़क गई, पति को गाली देने लगी और जब पति ने मना किया तो उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल पति गुहार लेकर एरोड्रम थाने पहुंचा और पत्नी अभिलाषा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पत्नी से पीड़ित पति इंसाफ मांग रहा है। पुलिस अब मामले की पड़ताल में जुट चुकी है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों का हाल बेहाल है। क्या प्राइवेट क्या सरकारी, ज्यादातर नर्सिंग कॉलेज बदहाल हैं। सीबीआई की जांच रिपोर्ट में कॉलेजों से जुड़ी हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों का हाल बेहाल है। क्या निजी क्या सरकारी, ज्यादातर नर्सिंग कॉलेज बदहाल हैं। कहीं पर्याप्त स्टाफ नहीं तो कहीं सुविधाएं नहीं, कई कॉलेज तो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। ये खुलासा सीबीआई की जांच में हुआ। सीबीआई ने जबलपुर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें नर्सिंग कॉलेजों में चल रहे फर्जीवाड़े का पूरा लेखा जोखा है। प्रदेश के करीब आधे नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ियां पाई गई हैं, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 310 कॉलेजों में से 141 में गड़बड़ी, 66 नर्सिंग कॉलेज कागजों तक सीमित, 73 कॉलेज में अनियमितताएं, नर्सिंग स्टाफ से लेकर कई गड़बड़ियां, जीएमसी समेत 9 सरकारी कॉलेज में कमी, रीवा का सरकारी कॉलेज चलाने की स्थिति में नहीं। सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेजों को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी में वो कॉलेज जो चलाने लायक हैं, दूसरी कैटेगरी में वो कॉलेज जहां कई कमियां पाई गई हैं, और तीसरी कैटेगरी में वो कॉलेज हैं जो चलाने लायक ही नहीं है। और इनमें सिर्फ निजी नर्सिंग कॉलेज ही नहीं, भोपाल के गांधी मेडिकल नर्सिंग कॉलेज समेत 9 शासकीय कॉलेजों में कमियां पाई गई। रीवा का शासकीय नर्सिंग कॉलेज तो चलाने की स्थिति में नहीं है। प्रदेश के 310 कॉलेजों में से 60 से ज्यादा की हालत बहुत खराब है, जबकि कई कॉलेज सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। इसमें एक सरकारी कॉलेज भी शामिल है। सीबीआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कॉलेजों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े के कारण पिछले 4 साल से परीक्षा नहीं हो पाई, हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है। अब देखना है कि सीबीआई की जांच के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर मध्य प्रदेश को एक और तमगा मिला है। एमपी अब वल्चर स्टेट भी है। प्रदेश में गिद्धों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और इसके क्या फायदे हैं, ये आपको बताते हैं। टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट,
और वुल्फ स्टेट बनने के बाद मध्य प्रदेश वल्चर स्टेट भी बन गया है। प्रकृति के सफाई कर्मचारी कहे जाने वाले गिद्धों की आबादी मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। हाल ही में प्रदेश में गिद्धों की गणना की गई और इसके आंकड़े भी जारी कर दिए गए। इसके मुताबिक प्रदेश में गिद्धों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिद्ध है। गिद्धों की संख्या में एमपी अव्वल है। गिद्धों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। 2021 में थे 9,446 गिद्ध, 2019 में 7,906 थी आबादी। ग्वालियर चंबल अंचल में भी गिद्धों का कुनबा तेजी से बढ़ा है। एक समय था जब इनकी संख्या लगातार घट रही थी, गिद्ध कहीं नजर नहीं आते थे, लेकिन अब आसानी से शहरी इलाके में भी ये नजर आ रहे हैं। खुशी की बात यह भी है कि हिमालय से माइग्रेट करके आने वाले हिमालयन वल्चर भी देखे गए हैं। एक समय था जब अपने यहाँ गिद्धों की संख्या जो है ना के बराबर थी और धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलेशन वो डिक्लाइन हो रही थी जो है, लेकिन वर्तमान में इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत मतलब अच्छा है, अपना जो पारिस्थितिक तंत्र है वो मजबूत होगा इससे जो है। हमारे इकोसिस्टम के लिए गिद्ध बेहद जरूरी है। ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं, मृत जानवरों के अवशेषों को खाते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। गिद्धों की ये खासियत देखते हुए वन्य प्राणी विशेषज्ञ इनकी आबादी बढ़ने पर खुशी जता रहे हैं। क्योंकि बेसिकली जो वल्चर्स हैं वो एक प्रकृति के परिमार्जक के रूप में पहचाने जाते हैं, स्कैवेंजर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं। अगर इनकी संख्या बढ़ेगी तो अपना इकोसिस्टम मजबूत होगा और डेड एनिमल्स की जो बॉडी होती है कार्कस वगैरह उनको ये सब खाते हैं, जो है खा के हमारे जो उसमें जो अपने एनवायरमेंट है उसको क्लीन करते हैं। गिद्ध पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। इनकी भी कई प्रजातियां होती हैं और इनमें से कई एमपी में पाई जाती हैं। भारत में पाए जाते हैं 9 प्रजाति के गिद्ध, मध्य प्रदेश में गिद्धों की 7 प्रजातियां, 4 स्थानीय प्रजातियां और 3 प्रवासी गिद्ध प्रजाति। एक नजर मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली गिद्धों की प्रजातियों पर। इंडियन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, काला गिद्ध, हिमालयन गिद्ध, यूरेशियाई गिद्ध, स्लेंडर बिल्ड वल्चर। 1990 के आसपास देश में गिद्धों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन कीटनाशकों और पशुओं में बेतहाशा दवाओं के उपयोग से गिद्धों की संख्या तेजी से गिरी। 2019 में महज 60,000 के आसपास सिमट गई थी, लेकिन इनके संरक्षण के प्रयासों के चलते अब इनकी संख्या बढ़ रही है और एमपी तो वल्चर स्टेट ही बन गया है। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर।